अपने देश में तीर्थों की परंपरा है, जहां तपस्वी तपस्या करते हैं वो तीर्थ बन जाता है। उसकी ये शक्ति होती है कि वहां आकर कुछ देर रहने वालों के मन में जिस भावना से वो तपस्या हुई उन्हीं भावों का निर्माण वो तीर्थ भूमि कर सकती है। ये उसका सामर्थ्य ऋषियों की तपस्या के कारण बनता है। हमारे देश के इतिहास में एक मोड़ आया, उसके पहले जो तीर्थ बने थे हमारे देश पर विदेशी आक्रमण हुए नहीं थे, हम सुरक्षित थे। उन दिनों में वाहनों की सुविधा नहीं थी तो पूरी जो पर्वतमाला है उत्तर पश्चिम पूर्व में, हिमाचल के दोनों बाहु उनको कहा जाए तो ठीक होगा, उनको लांग कर कौन आएगा, और तीनों तरफ का सागर लांग कर कौन आएगा, कोई नहीं आता था। इसलिए हम सुरक्षित थे और समृद्ध भी थे। तो जो योजनाएं विश्व के कल्याण के लिए हमारी बनी उसके अनुसार हमारे तीर्थ बने। ऐसा एक तीर्थ पास में ही है गजेंद्र मोक्ष का हरिहर तीर्थ। कल मैं बक्सर गया था व्याघ्रसर, वो भी एक तीर्थ है, विश्वामित्र जी का आश्रम था। दुनिया की दुष्टता को समाप्त करना और सबको सज्जन बनाना, ये काम हम उस समय निर्बाध रूप से करते थे, हमारे तीर्थ वैसे बने।